हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सबको पहले ही पता है कि कल के वीएस की आंसर की आ गई और सब ने ही अपने अपने आंसर्स को मैच कर लिया है। फ्रेंड्स, मैंने भी अपने आंसर की चेक की। जैसा कि मैं आप सबको पहले ही बता चुकी थी कि मेरा जो एग्ज़ाम है वो 25 फेब को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था, लेकिन अगर मैं बात करूँ आंसर की, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि आज का जो भी फेस्टिवल था हमारे मुंबई में, वो मेरा आज बहुत ख़राब हो गया, क्योंकि जो भी मैंने मार्क्स एक्सपेक्ट किए थे वो मेरे मार्क्स नहीं आए हैं। और उसका एक रीज़न है साइकोलॉजी। मेरा मैथ्स, इंग्लिश, साइंस में मैंने उतना ही स्कोर किया है ऑलमोस्ट जितना मैंने सोचा था कि इतने मेरे मार्क्स आएंगे, लेकिन मेरे मार्क्स कम रहने का मेरा मेन रीज़न है मेरी साइकोलॉजी। फ्रेंड्स, मैंने साइकोलॉजी में कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे इतने कम मार्क्स आएंगे, लेकिन आए हैं। अब वो मार्क्स ऐसे भी नहीं है, कॉन्सेप्चुअल तो नहीं है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ही है वो क्वेश्चंस। तो हो सकता है कि मैं रॉन्ग हूँ, लेकिन फ्रेंड्स जब मैंने जीके के क्वेश्चंस को देखा जिनके एग्जैक्ट ओनली वन आंसर है, वो क्वेश्चंस भी केवीएस जो हमारे राइट हैं उन्हें भी रॉन्ग बता रहे हैं फ्रेंड्स। तो अभी ऐसा लग रहा है कि मे बी साइकोलॉजी में भी मेरे मार्क्स इंक्रीज़ हो जाते या इंक्रीज़ हो सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जो जीके के क्वेश्चंस मुझे लग रहे हैं कि केवीएस ने आंसर गलत दिए हैं, वो हैं 25 फेब की जो आंसर की है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23। उसके बाद जो साहित्य पुरस्कार का क्वेश्चन था बाल साहित्य का संस्कृत में, उसका आंसर जो है वो अभिनंदन करके जो भी आंसर है वो उसका एग्जैक्ट आंसर है। और मैंने ये गूगल सर्च भी किया, लेकिन केवीएस ने उसका आंसर उसे रॉन्ग दिया है। इसके अलावा भारत रत्न वाला क्वेश्चन है। इस तरीके से फ्रेंड्स मेरे 6 to 7 क्वेश्चंस हैं जो मुझे जीके में, आपका जनरल अवेयरनेस में, मुझे ऐसा लग रहा है कि केवीएस ने रॉन्ग दिए। फ्रेंड्स, ये सब देखने के बाद मुझे लग रहा है कि साइकोलॉजी में भी क्या केवीएस से गलती हुई है। प्लीज़ आप लोगों का, अगर मेरे साथ किसी का भी सेम शिफ्ट का है तो प्लीज़ आप मुझे कंफर्म करें कि मैंने जो क्वेश्चंस आप लोगों को बताए हैं क्या वो राइट हैं या रॉन्ग है। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप मेरे साथ हैं। एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है जो वो पार्लियामेंट ऑफ जर्मन, जिसे पहले रिचस्टैग कहा जाता था लेकिन अभी उसका नाम चेंज कर दिया है 1943 के बाद, लेकिन उन्होंने पूछा कि किससे रिलेटेड है, तो मैंने उसमें टिक करा था जर्मन पार्लियामेंट से। बाकी के ऑप्शंस मुझे नहीं लगे थे, लेकिन फ्रेंड्स मैं आप सबसे कंफर्म करना चाहती हूँ कि क्या मैं अपनी जगह सही हूँ। जिन लोगों ने भी 25 फेब का मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम दिया है और उन्हें लग रहा है कि हाँ मैंने जो क्वेश्चंस बताए हैं वो रॉन्ग है, वो प्लीज़ कमेंट करके मुझे कंफर्म करें ताकि मैं आगे का प्रोसीजर कर सकूं। एंड फ्रेंड्स, उसके बाद अगर आपको साइकोलॉजी के भी कोई क्वेश्चंस पे डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए ताकि मैं आगे देख सकूं। लेकिन फ्रेंड्स, जैसा केवीएस ने बोला है कि 1 क्वेश्चन का 1000 रुपीज़, अब हमें अगर 7 क्वेश्चन पे डाउट है तो 7000 रुपीज़, जो हालांकि थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन फिर भी उसके लिए कुछ तो हम करेंगे ही। पहले आप मुझे कमेंट करके बताइए प्लीज़। मार्क्स कम रह जाना के लिए तो हाँ ये है कि हाँ हमसे इस बार मेहनत करने में कमी रह गई है, तो हम अगली बार उसे और अच्छे से करेंगे। लेकिन क्वेश्चन सही होते हुए भी मार्क्स ना मिलना, ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स को हर्ट कर रहा है। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप मुझे भी बताइए कि मैं अपनी जगह कितनी सही हूँ, कितनी गलत हूँ। आप लोगों को कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे लग रहे हैं जिनके आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर गलत हैं। और अब फ्रेंड्स देखते हैं केवीएस क्या ही डिसाइड करेगा इसके बारे में। बस फ्रेंड्स, मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ शेयर करिए ताकि मैं आगे के कुछ स्टेप ले सकूँ। थैंक यू सो मच।